हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने स्टेनोग्राफर के 1207 खाली पदों को भरने के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। कैसे, कब और कहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कुछ दिनों पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के 1207 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। अब यहां पर इनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। यहां पर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं। बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप देंगे। डेट्स की अगर बात करें तो एसएससी स्टेनो की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए डेट्स जो ओपन हुई थी वो 2 अगस्त 2023 से 23 अगस्त 2023 के बीच थी। एग्जाम अब आपका 12 और 13 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। आपका एडमिट कार्ड 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज कर दिया जाएगा, या फिर गाइस एग्जाम कंडक्ट होने के 2 या 4 दिन पहले पर्टिकुलर रीजन वाइज आपका एडमिट कार्ड यहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर एसएससी स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, या फिर गाइस आप अपने इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर टाइप करोगे ssc.nic.in, उसके बाद आपके सामने कर्मचारी चयन आयोग का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर कर आपको ऊपर ही एडमिट कार्ड की ये टैब दी गई है, आपको इस एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां से आप पर्टिकुलर रीजन वाइज अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जी हां दोस्तों, रीजन वाइज यहां पर आपको एडमिट कार्ड के लिंक प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि अगर आप ईस्टर्न रीजन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको यहां पर यूआरएल के इस सेक्शन में ईस्टर्न रीजन के इस लिंक पर क्लिक करना है। कर्नाटक केरला रीजन का चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करें, साउथर्न रीजन का चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करें। तो यहां से आप रीजन वाइज अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जिस रीजन का आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसके सामने आपको उस यूआरएल पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप अगर आप ईस्टर्न रीजन के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आकर आपको स्टेनो सी एन डी इस टैब पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको इस सेक्शन में आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आपके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी और फिर इस कैप्चा का आंसर प्रोवाइड कराते हुए आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। और अगर आप कर्नाटक केरला रीजन का अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अगर यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड इसी सेक्शन में लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हुए अपना एडमिट कार्ड सर्च करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि क्या एग्जाम का वेन्यू है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस टाइम आपको रिपोर्ट करना है, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंटआउट के साथ साथ ही आपको अपने साथ एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है और अपना एग्जाम क्रैक कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर 1207 पोस्ट के लिए रीजन वाइज अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।